हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फ्लोरोसिस के बारे में। आज की वीडियो में आपको बताएंगे फ्लोरोसिस क्या होता है, ये कितने टाइप्स का होता है, भारत में कहां कहां पर फ्लोरोसिस के मरीज़ पाए जाते हैं, और साथ ही आपको बताएंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ज़बरदस्त वैल्यूएशन करेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, फ्लोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक्सेसिव डिपोजिशन होने लगता है कैल्शियम का हमारे बोन्स और सॉफ्ट टिश्यू के अंदर। फ्लोरोसिस होता किस तरीके से है? दोस्तों, ज़्यादा अमाउंट में फ्लोराइड का इंजेक्शन करने से आपको होती है ये बीमारी, जिसको हम फ्लोरोसिस कहते हैं। दोस्तों, पीने के पानी के अंदर फ्लोराइड का अगर ज़्यादा कंजप्शन किया जाए, यानी कि ज़्यादा इंजेशन हो पीने के पानी के ज़रिए से, तो आपको होता है फ्लोरोसिस। भारत के अंदर पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जहाँ पीने के पानी में ज़्यादा फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। नॉर्मली जो फ्लोराइड होता है हमारे नॉर्मल पानी के अंदर, वो लेस देन 1 PPM होता है। पर जिन जगहों पर, जिनका नाम मैंने आपको बताया, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन जगहों पर पानी के अंदर ज़्यादा मात्रा में फ्लोराइड पाने से आपको ये बीमारी होती है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस दो तरीके का होता है, एक होता है डेंटल फ्लोरोसिस, एक होता है स्केलेटल फ्लोरोसिस। डेंटल फ्लोरोसिस में आपको दांतों पर येलोइश और ब्राउन कलर का आपको पैचेस देखने को मिलते हैं, जबकि स्केलेटल फ्लोरोसिस में होता क्या है कि आपकी बोन्स के अंदर कैल्शियम का कैल्सिफिकेशन होने लगता है, कैल्शियम डिपोजिशन ज़्यादा होने लगता है। दोस्तों, इसके लिए डॉक्टर्स आपको इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए बोलते हैं, एक्सरे के अंदर आपको ज़्यादा कैल्सिफिकेशन नज़र आता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका इलाज किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों, पानी का डीफ्लोरिनेशन किया जाता है, और डीफ्लोरिनेशन वाटर के कंजप्शन होने के बाद धीरे धीरे जो आपके सिम्टम्स होते हैं वो रिड्यूस होने लगते हैं। अब इसके सिम्टम्स में क्या क्या देखने को मिलता है, आपको बैक पेन नज़र आएगा स्केलेटल फ्लोरोसिस के अंदर, जॉइंट स्टिफ नज़र आएंगे, बैक पेन आपको देखने को मिलेगा, जॉइंट पेन आपको देखने को मिलेगा, जॉइंट लिम्ब्स के अंदर आपको पैरेस्थीसिया देखने को मिल सकता है। इसी तरीके से डेंटल फ्लोरोसिस में, जैसे मैंने आपको बताया कि इनेमल की मॉडलिंग होने लगती है, आपके दांतों के अंदर आपको येलोइश और ब्राउन कलर के पैचेस आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जानकारी दी फ्लोरोसिस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।